हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करनी है और इस एक्सप्रेशन की अगर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो जो समेसन वाला पोर्सन है उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी वन अपॉन एन रेज टू दावर फोर और इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ पर जो जे है वो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो से लेके टू एन माइनस वन तक रन कर रही है तो ये होगा जीरो प्लस वन स्क्वेर प्लस सॉरी क्यूब टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब एंड सो ऑन अप टू एन माइनस वन रेस्ट टू पावर क्यूब तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया अब इसको आप समझ सकते हैं ये है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब एंड सो ऑन टू एन माइनस वन रेस्ट टू पावर थ्री ये यहां पर ये एक्सप्रेशन आया इस एक्सप्रेशन से और इसके आउटसाइड था वन अपॉन एन रेस्ट पावर फोर और लिमिट एंड हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑफ़ क्यूब्स फर्स्ट नेचुरल नंबर यहाँ पर एन नेचुरल नंबर का क्यूब है और उनका सम है तो ये जो होता है एस एन क्या होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एंड होल रेस्ट दावर यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन एन रेस्ट टू द पावर फोर और इस एक्सप्रेस express, इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने पर हमें मिलेगा टू एन माइनस वन क्योंकि एन का रोल कौन प्ले करेगा टू एन माइनस वन फिर उसमें वन ऐड करेंगे तो यहाँ पर टू एन हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू रेज टू द पावर टू अब यहाँ पर आप एन स्क्वेयर दोनों ही दोनों ही यहाँ यहां से भी एन स्क्वेयर और यहाँ से भी एन स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एन रेस्ट द पावर फोर इन टू एन रेस्ट दावर फोर ये हो जाएगा टू टू माइनस वन अपॉन एन और यहां पर मिलेगा आपको टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर से टू स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर आपको फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो आपको मिला और एन रेस्ट टू दावर फोर से एन रेस्ट टू द पावर फोर तो आपको मिलता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू माइनस वन अपॉन एन रेस्ट टू द पावर टू जब पे इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ये लिमिट जीरो को चली जाएगी टू स्क्वेयर जो कि फोर होता है अब कौन सा ऑप्शन हमें फोर वैल्यू दे रहा है तो ऑप्शन ए यहाँ पर